विशेष धम्म देशना भिक्षु संघ के वर्षावास के अवसर पर हम विशेष धम्म देशना दे रहे हैं। आज दिनांक 11 अगस्त 2020 ये धम्म देशना मूल पाली त्रिपिटक ग्रंथों के आधार पर है, जिस पाली त्रिपिटक में तथागत भगवान बुद्ध ने जीवन भर जो सिखाया, जो उनके डायलॉग्स हुए, वो सारे वहां पर त्रिपिटक के रूप में संग्रहित किए हुए हैं पाली भाषा में। और उन्हीं त्रिपिटक के ग्रंथों से अंगुत्तर निकाय पाली ग्रंथ, इस ग्रंथ के कुछ सूत्र पर हम आज चर्चा करेंगे। चिरं तिष्ठन्तु सद्धम्मो लोको हुन्तु सुखी सदा। सद्धम्म, इस धरती पर दीर्घ काल तक जीवित रहे, टिकता रहे, और लोग सद्धम्म के रास्ते पर चलकर अपने मनुष्य जीवन को, अनमोल जीवन को धन्य धन्य करी। बिना धम्म के जीवन उजागर नहीं होता, अनमोल नहीं बनता, तो उसे अनमोल बनाना और कीमती बनाना और ऊंचाई पर पहुंचाना ये धम्म के रास्ते संभव है। इसलिए तथागत भगवान बुद्ध ने लोगों के हित के लिए, लोगों के सुख के लिए ये सद्धम्म दिया है, भिक्षु संघ की निर्मिति की है। और आज पूज्य भिक्षु संघ ने बरसों बरसों से, पीढ़ियों से, हजारों वर्षों से इस सद्धम्म को संभालते हुए भिक्षु संघ आ रहा है, और त्रिपिटक के रूप में उन्हें सुरक्षित किया हुआ है। आज वो सुरक्षित है, तो उसके अंगुत्तर निकाय नाम के ग्रंथ पर, ग्रंथ के कुछ सूत्र पर हम चर्चा करेंगे। भगवान बुद्ध कहते हैं भिक्षुओं को भगवान बुद्ध ने बुलाया और भिक्षु संघ आकर बैठा, तब तथागत बुद्ध बोलने लगे, बुद्ध कहने लगे कि भिक्षु, मैं चार प्रकार के व्यक्तियों को देखता हूं समाज में। कौन से चार प्रकार की? वो है नंबर एक, अत हिताय पटिपन्नो नो पर हिताय, यानी कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो अपना हित चाहते, अपने हित के लिए जीते हैं, दूसरों के हित के लिए नहीं, ऐसे एक प्रकार के लोग। दूसरे, परहिताय पटिपन्नो नो अत्त हिताय, वो दूसरों के हित के लिए जीवन जीते हैं, अपने लिए नहीं, ऐसे दूसरे प्रकार के व्यक्ति होते हैं। और तीसरे व्यक्ति, नेव अत्त हिताय नो परहिताय, जो अपने भी हित के लिए नहीं जीते और दूसरों को भी, दूसरों के भी हित के लिए, दूसरों के भी कल्याण के लिए नहीं जीते, ऐसे तीसरे प्रकार के। और चौथे प्रकार के व्यक्ति है कि जो अत्तहिताय चेव परहिताय च विहरति, चौथे प्रकार के व्यक्ति जो अपने भी हित के लिए जीते हैं और दूसरों के भी हित के लिए, दूसरों के भी कल्याण के लिए जीते हैं। तो इसे ही
डिटेल में कैसा बुद्ध ने समझाया यह मैं आपको ओरिजिनल ग्रंथ से ही थोड़ा पढ़ के सुनाऊंगा। चत्तारो में भिक्खवे पुगला लोकस्मी, जो पहले अपने हित के लिए जीने वाले लोग होते हैं, पुगलो अतहिताय पटिपन्नो होती नो परहिताय। इसमें बुद्ध कहते हैं इद भिक्खवे पुगलो अतहिताय पटिपन्नो होती नो परहिताय, इद भिक्खवे एकचो पुगलो खिप निसंति च होती कुशलेषु धम्मेषु सुतानं च धम्मानं धारक जातिन होती धातानं च धम्मानं अथुप परीक्षी होती अथ मय्याय धम्म मय्याय धम्मानुधम्म पटिपन्नो होती नोच कल्याणवाचो होती योच कल्याणवाचो होती कल्याण वाकरनो पूरिया वाचाय समन्नागतो विसठ्ठाय अनेल गलाय अथस विज्ञापनिया विहरति। यानी जो पहले प्रकार का व्यक्ति होता है तो वो अपने हित के लिए जीता है, धम्म का आचरण करता है, धम्म को पढ़ता है, धम्म का अभ्यास करता है और धम्म का अभ्यास करके वो अपना हित, अपनी ऊंचाई, अपनी आध्यात्मिक ऊंचाई को पाते रहता है, लेकिन दूसरे के लिए वो कुछ नहीं करता है। तो ऐसा है एक प्रकार का व्यक्ति। फिर दूसरे प्रकार का व्यक्ति जो है परहिताय च पटिपन्नो नो अतहिताय, इसमें तथागत बुद्ध बताते हैं इद भिक्खवे एकचो पुगलो न हे वखो खिप्प निस्संति होती कुशलेषु धम्मेषु नोच सुत्तानंग धम्मानंग धारक जाति को होती नोच धातानंग धम्मानंग अथुप परीक्षी होती नोच अथ मय्याय धम्म मय्याय धम्मान धम्म पटिपन्ने होती। यानी दूसरे प्रकार का जो व्यक्ति है परहिताय पटिपन्नो नो अत्तहिताय, यानी वो धम्म का अभ्यास करता है, धम्म को पढ़ता है, लिखता है बुद्धि बौद्धिक स्तर से और उसका लाभ वो दूसरों को, हमेशा दूसरों के लिए उसका लाभ देने का प्रयास करता है, दूसरों को सिखाता है, दूसरों को, दूसरों के कल्याण की भावना करता है, दूसरों के हित की भावना करता है, इस प्रकार से जीने वाला एक व्यक्ति होता है। ये दूसरे प्रकार का व्यक्ति। और तीसरे प्रकार का व्यक्ति जो है नेव अत्तहिताय नो परहिताय, एक ऐसा व्यक्ति है कि जो अपने भी हित के लिए नहीं जीता है और दूसरों के भी हित के लिए नहीं जीता है, वो एक प्रकार का अलग रहता है। यानी जहां सद्धम्म का सवाल है, जहां सद्धम्म को जानने समझने का सवाल है, तो वो अपने लिए भी सद्धम्म को नहीं जानता नहीं समझता है और वो दूसरों के लिए भी सद्धम्म को नहीं देता नहीं जानता, क्योंकि स्वयं नहीं समझता तो दूसरों को क्या देगा। इस प्रकार का ये तीसरे प्रकार के व्यक्ति होते हैं समाज में। और फिर चौथे व्यक्ति तथागत बुद्ध ने जो बताया अत्तहिताय चैव परहिताय च विहरति, यानी वो व्यक्ति होते हैं कि जो स्वयं धम्म का अभ्यास करते हैं, धम्म को जानते हैं, कुशल अकुशल को पहचानते हैं, क्या कुशल है क्या अकुशल है, और वो कुशल रास्ते से चलकर स्वयं अपना भी कल्याण करते हैं, अत्तहिताय अपना स्वयं का कल्याण करते हैं और दूसरों का भी कल्याण करते हैं कि भाई मैं इस रास्ते से चलकर मेरा कल्याण कर रहा हूं, आप भी इस रास्ते पर चलो, तुम भी इस रास्ते पर चलो, तुम्हारा भी मंगल होगा, तुम्हारा भी कल्याण होगा। तो ये चौथा जो व्यक्ति होता है वो स्वयं भी धम्म के रास्ते चलता है, दूसरों को भी धम्म के रास्ते ले जाता है, ये बड़ा कल्याणकारी व्यक्ति होता है, ऐसा बहुत दुर्लभ होता है। जैसे बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर, वो स्वयं धम्म के रास्ते चले, स्वयं उन्होंने ज्ञान पाया, स्वयं कुशल अकुशल को जाना, प्रज्ञा को स्वयं भी बढ़ाया
सनातन धर्म के रास्ते चलते रहे और दूसरों को भी प्रेरणा देते रहे, दूसरों को भी धम्म के रास्ते पर चलाते रहे, तो ये जो चौथा व्यक्ति होता है ये बहुत ही प्रशंसनीय होता है कि जो स्वयं उस रास्ते पर चलता है और दूसरों को भी उस रास्ते पर चलाता है। इसी प्रकार कुछ भिक्षु होते हैं, भिक्षु का जीवन भी वैसा ही कि स्वयं त्याग का जीवन जीते हैं, स्वयं एक धम्म के रास्ते चलकर उस रास्ते चलकर स्वयं उस त्याग का सेवा का जीवन जीते हैं भिक्षु, और दूसरों को भी त्याग का जीवन जीना सिखाते हैं, दूसरों को भी धम्म सिखाते हैं, त्याग करना सिखाते हैं, उस रास्ते पर चलना सिखाते हैं। तो ये चौथे प्रकार का जो व्यक्ति है, यानी अपने भी हित के लिए जीना और दूसरों के भी हित के लिए जीना, ऐसे समाज में जो लोग होते हैं बहुत होते हैं। जैसे ये भी यदि एक देखा जाए कि पढ़ाने वाले जो प्रोफेसर जो शिक्षक, वो स्वयं भी पढ़ते हैं, स्वयं भी स्टडी करते हैं और दूसरों को भी पढ़ाते हैं, तो अपने लिए भी जीते हैं, दूसरों के लिए भी वो प्रेरणा देते हैं। तो इस प्रकार का जो जीवन है, अपने लिए भी जीना, अपने लिए हित और सुख के लिए जीना और दूसरों को भी हित और सुख मिले, इस प्रकार का प्रयास करना, ये बड़ा ही कल्याणकारी होता है। ऐसा तथागत बुद्ध ने ये चार प्रकार के व्यक्ति इस सूत्र में तथागत बुद्ध ने बताए। उसके बाद और भी तथागत बुद्ध एक दूसरे सूत्र में बताते हैं, चार प्रकार के बादल होते हैं, ये जो आकाश में आने वाले बादल जिससे बारिश होती है, तो ये बादल होते हैं चार प्रकार के, जिसे मराठी में ढग कहते हैं। तो ये बादल क्लाउड्स चार प्रकार के होते हैं। कैसे चार प्रकार के, वो तथागत बुद्ध ने बताया। पहला एक, नंबर एक, गज्जिता नो वस्सिता, यानी कुछ बादल वो गरजते हैं लेकिन बरसते नहीं, ऐसे एक प्रकार के बादल होते हैं। फिर दूसरे बादल होते हैं वस्सिता नो गज्जिता, यानी दूसरे बादल ऐसे कि वो बरसते हैं, वर्षा आती है लेकिन वो गरजते नहीं, वो बरसते रहते हैं, बारिश आते रहती है लेकिन वो बादल गरजते नहीं, ये होते दूसरे प्रकार के बादल। फिर तीसरे प्रकार के बादल नेव गज्जिता नो वसिता होती, ऐसे बादल होते हैं, ऐसे क्लाउड्स होते हैं आकाश में कि जो बरसते भी नहीं और गरजते भी नहीं, यानी गड़गड़ाहट भी नहीं करते और बरसते भी नहीं, ऐसे भी बादल आकाश में दिखाई देते होते हैं। और फिर चौथे प्रकार के बादल होते हैं गज्जिताच वस्सिताच, यानी जो चौथे प्रकार के बादल जो आकाश में हमें दिखाई देते हैं, चौथे प्रकार के क्लाउड्स, तो वो गरजते भी हैं, गरजते हैं और बरसते भी हैं, यानी वो बादल जोर जोर से गड़गड़ाहट भी करते हैं और बरसते भी हैं। तो ये चौथे प्रकार के बादल, चार प्रकार के जो बादल होते हैं आकाश में। फिर इसे ही तथागत बुद्ध ने इस पर समझा के बताया कि क्या गरजना और क्या बरसना है। बड़े अच्छे ढंग से तथागत बुद्ध समझाते हैं, चत्तारों में भिक्खवे वलाह का कतमे चत्तारो गज्जिता नो वस्सिता है, एक प्रकार का। दूसरा वस्सिता नो गज्जिता, दूसरा तीसरा प्रकार नेव गज्जिता नो वस्सिता, और चौथा प्रकार वस्सिताच गज्जिताच, ऐसे चार प्रकार के बादल होते हैं।
फिर बुद्ध ने समझा के बताया कि कौन से चार प्रकार के, कथम च पुग्गलो गज्जिता होती नो वस्यता, ऐसे जो लोग होते हैं चार प्रकार के समाज में भी, ये बादल की तरह होते हैं वो चार प्रकार के लोग, कौन सा पहला प्रकार कौन सा है? क्या ऐसे कुछ लोग होते हैं जो सद्धम्म को जानते हैं, सूत्र को जानते हैं, व्याकरण को जानते हैं, गाथाओं को जानते हैं, उदान को जानते हैं, जातक को जानते हैं, इति उत्तम को जानते हैं, यानी जो भी सूत्र तथागत बुद्ध ने बताया, जो सिखाया बुद्ध ने, ये सभी सूत्रों को वो जानते हैं। इसी प्रकार वो ये भी जानते हैं, अष्टांगिक मार्ग को जानते हैं, चार आर्य सत्य को जानते हैं, ये दुख है, ऐसे दुख निर्माण होता है, ये दुख के कारण होते हैं, ऐसे दुख नष्ट किया जा सकता है, इस प्रकार वो सब जानते हैं, सब पढ़ते हैं, तो उसे कहते हैं गज्जिता होती नो वस्यता, जानते बहुत लेकिन वो बरसते नहीं, पढ़ा बहुत लेकिन उसको अमल में नहीं लाते हैं, वंचित रह जाते उससे। सब जानते हैं लेकिन जानने के बावजूद भी वो चलते नहीं उस रास्ते पर, ऐसे कुछ लोग होते हैं कि दुख को जानते हैं लेकिन दुख कैसे नष्ट किया जाए उस पर वो नहीं चलते, वो रास्ता नहीं उनको पता है। सूत्र को जानते, गाथा को जानते हैं, अभ्यास करते हैं, पंचशील को जानते हैं, अष्टशील को जानते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग उस पर चलते नहीं, अष्टशील का पालन नहीं करते, पंचशील का पालन नहीं करते। इसीलिए बुद्ध ने उनको कहा कि ये गज्जिता होती नो वस्यता, ये तो गरजने वाले बादल है, ये बोलने वाले बादल है, गरजने वाले हैं लेकिन बरसने वाले नहीं। ऐसे एक बादल के बारे में तथागत बुद्ध बताते हैं। फिर दूसरा, वस्यता नो गज्जिता, ऐसे कुछ लोग होते हैं कि जो सद्धम्म को जानते हैं, थोड़ा बहुत समझते हैं और पूरी तरह उस रास्ते पर चलते हैं, पूरी तरह सील का पालन करते हैं, उन्हें उतना अभ्यास नहीं होता है, कभी कभी वो सूत्र को नहीं जानते, वो व्याकरण को नहीं जानते, गाथाओं को नहीं जानते, कभी वो ग्रंथों को नहीं जानते, लेकिन वो आचरण करते हैं, सील का पालन करते हैं और अपना लाभ लेने वाले होते हैं, वो सीलवान लोग, पंचशील का पालन करने वाले लोग, अष्टशील का पालन करने वाले लोग, बहुत स्टडी न भी हो लेकिन इस प्रकार के भी लोग होते हैं, तो ये दूसरा प्रकार। तीसरा प्रकार, तीसरे प्रकार के पुद्गल, नो गज्जिता नो वस्यता, यानी ये जो तीसरा प्रकार का आदमी, तीसरे प्रकार के लोग होते हैं समाज में, तो वो गरजने वाले भी नहीं और बरसने वाले भी नहीं, यानी सद्धम्म की दृष्टि से देखा जाए तो वो सद्धम्म को पढ़ते भी नहीं, ग्रंथ मालूम नहीं, सूत्र मालूम नहीं, गाथाएं मालूम नहीं, ग्रंथ मालूम नहीं, शिक्षापद मालूम नहीं, और उस रास्ते पर वो चलते भी नहीं, तो वो वंचित रह जाते हैं सद्धम्म के महान रत्न से। महान महान सद्धम्म का रत्न उपलब्ध होने के बावजूद भी, जैसे कहा जाए कि गंगा नदी में पानी है, बहुत मीठा पीने लायक पानी है, किसी सरोवर में, किसी तालाब में पानी है, लेकिन वो पानी का कोई लाभ नहीं लेते, न पानी की तरफ जाते हैं न लाभ लेते हैं, पानी है
प्यास बुझाने वाला पानी है। तो ये तीसरे प्रकार के लोग होते हैं कि जो उनको जानते भी नहीं और उस रास्ते पर चलते भी नहीं, ऐसे तथागत बुद्ध समझाते हैं। फिर चौथे प्रकार के आदमी होते हैं गज्जिताच वस्यताच, यानी चौथे प्रकार के आदमी होते हैं जो धम्मों को जानते हैं, ग्रंथों को जानते हैं, सूत्रों को जानते हैं, व्याकरण को जानते हैं और उसकी व्याकरण को जानते हैं, भाषा को जानते हैं, सद्धम्म को जानते हैं, चार आर्य सत्य को जानते हैं, अष्टांगिक मार्ग को जानते हैं और उस रास्ते पर चलते भी हैं, शील का पालन करते हैं, अष्टांगिक मार्ग के रास्ते पर चलते हैं, शील के रास्ते पर चलते हैं, प्रज्ञा के रास्ते पर चलते हैं, हमेशा प्रज्ञा का विकास करते रहते हैं। तो ऐसे बादल जो तथागत बुद्ध ने उपमा दी कि वो बादल गरजने वाले भी है, यानी जानने वाले भी है, समझने वाले भी है और इसी प्रकार वो बरसने वाले भी है, यानी वो उसका लाभ लेते हैं, दूसरों के लिए भी लाभ कराते हैं, स्वयं भी उसका लाभ लेते हैं, दूसरों को भी लाभ कराते हैं। तो ये जो चौथे प्रकार के लोग होते हैं समाज में, वो बड़े ही प्रशंसनीय होते हैं, बड़े ही कल्याणकारी होते हैं, चौथे प्रकार के लोग भी। और इस चार प्रकार के जो लोग तथागत बुद्ध ने बताया, तो इस प्रकार का जो उपदेश तथागत बुद्ध ने भिक्षु संघ को दिया, जो लोगों के कल्याण के लिए, लोगों के मंगल के लिए ये तथागत बुद्ध ने बताया, और इसी प्रकार उसे ही तथागत बुद्ध ने और भी आगे बढ़ाते हुए बताया है और भी कहा है, चार प्रकार के और भी व्यक्ति, भाषिता होती नो कथा, कुछ लोग बोलने वाले होते हैं, भाषण करने वाले होते हैं, लेकिन करने वाले नहीं होते, उस रास्ते पर चलने वाले नहीं होते, ऐसे एक प्रकार के व्यक्ति। फिर दूसरे प्रकार के व्यक्ति, कथाच होती नो भाषिता, दूसरे प्रकार के लोग होते हैं वो करने वाले होते हैं, अपने शरीर वाणी और मन से अच्छा काम करेंगे, अच्छा व्यवहार करेंगे, लेकिन बहुत बोलने वाले नहीं होते, बहुत भाष्य करने वाले नहीं होते। तो ये भी बड़े प्रशंसनीय होते हैं कि स्वयं करने वाले होते हैं लेकिन बोलने वाले नहीं होते, तो ये भी बड़े प्रशंसनीय होते हैं। और तीसरे प्रकार के, भाषिता होती नो कथा, जो चौथे प्रकार के लोग होते हैं, न भाषिता हो, तीसरे प्रकार के, न भाषिता होती न कथा, यानी वो बोलने वाले भी नहीं होते हैं, धम्म के बारे में बोलेंगे भी नहीं, पढ़ेंगे भी नहीं, जानेंगे भी नहीं और धम्म के रास्ते पर चलेंगे भी नहीं। न भाषिता न कथा, यानी बोलने वाले भी नहीं धम्म के रास्ते पर, धम्म के बारे में बोलने वाले भी नहीं और धम्म के रास्ते पर चलने वाले भी नहीं। लेकिन है, ऐसे भी लोग हैं समाज में, दिखते हैं ऐसे। ये हुआ तीसरे प्रकार का व्यक्ति। तो उसको बुद्ध ने उसकी निंदा की, उसकी प्रशंसा नहीं की, निंदा की उनकी, कि तो धम्म को जानता भी नहीं और उस रास्ते पर चलता भी नहीं, तो वंचित रह गया, वो धम्म से दूर रह गया, अपना ही अहित कर लिया उसने अनमोल मनुष्य जीवन में, तो उसकी निंदा की। और जो चौथा आदमी होता है, भाषिता च होती कथा च होती, उसकी बड़ी प्रशंसा की। भाषिता यानी बोलने वाला, वो धम्म पर बोलता है, धम्म पर प्रवचन देता है, धम्म पर व्याख्यान देता है, बोलता है और उसी प्रकार वो धम्म के रास्ते चलता भी है,
इसीलिए उसको कहते भाषिता च होती कथा च होती, बोलने वाले भी धम्म पर, उसका अभ्यास भी करने वाले धम्म पर, बोलने वाले भी प्रवचन भी देने वाले धम्म पर होते हैं, धम्म को समझाने वाले भी लोग होते हैं और स्वयं उस धम्म के रास्ते पर चलने वाले भी होते हैं, जैसे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर स्वयं वो धम्म के रास्ते पर चले, धम्म के बारे में बोले, वो बोलते रहे, लिखते रहे और धम्म के रास्ते पर चलते भी रहे, तो ये व्यक्ति तो सोने जैसे व्यक्ति माने जाते हैं, इनको बड़े प्रशंसनीय व्यक्ति होते हैं। इस प्रकार हमने अपने अनमोल जीवन में चौथे प्रकार की व्यक्ति बनना चाहिए कि हम बोलने वाले भी बने, अभ्यास करने वाले भी बने और उस रास्ते पर चलने वाले भी बने, पढ़ने वाले भी बने और उस रास्ते पर चलने वाले भी बने, तो कल्याण होगा, जीवन धन्य होगा, धन्य होगा। ये बात तथागत बुद्ध ने अंगुत्तर निकाय में बताई है। आप सबका मंगल हो, सबको निरोगत्व मिले, सबको दीर्घायुष्य मिले, सबको सुख शांति मिले और जीवन आपका धम्म के रास्ते पर मंगलमय बने। यही मंगल मैत्री के साथ सद्धम्म की सेवा में, आपकी सेवा में डॉक्टर भदंत राहुल बोधी महाथेरो। आज हमारे नागपुर में भिक्षु संघ का विशेष कार्यक्रम संगदान के रूप में हुआ। हमारे दिवंगत कालकथित भदंत सदानंद महास्थवीर, कुछ दिन पहले उनका जो देहांत हुआ, निधन हुआ, आज उनके स्मरण में हमारे नागपुर के भिक्षु संघ ने, सभी पूज्य भिक्षु संघ ने, उपासक उपासिकाओं ने और सभी भिक्षुओं ने मिलकर, सभी उपासक उपासिकाओं ने मिलकर आज संगदान का बड़ा अच्छा कार्यक्रम नागपुर में किया। उनको आदरांजलि श्रद्धांजलि दी गई, हम भी आदरांजलि श्रद्धांजलि दे रहे हैं, हमने भी आदरांजलि श्रद्धांजलि दी है और हम भी मुंबई में भी ऐसा कार्यक्रम हम रखेंगे, तारीख हम बताएंगे आपको। तो मुंबई में भी भिक्षु संघ की ओर से कार्यक्रम रखने का चर्चा हमने की है। भदंत विनय बोधी महाथेरो, भदंत शांति रत्न थेरो जो मुंबई में काम करते हैं बहुत, तो उन्हीं से बातें भी हो गई और वो कार्यक्रम यहाँ पर हम लेंगे मुंबई में, उसकी तारीख निश्चित हो जाएगी, वो भी आपको बताएंगे। तो आज जो भिक्षु संघ की ओर से कार्यक्रम हुआ तो उसको पूरी हमारा समर्थन है, अनुमोदन है और श्रद्धांजलि जो सभी ने दी, हमने भी श्रद्धांजलि दी। तो हमने जो श्रद्धांजलि दी वो YouTube पर भी हमने श्रद्धांजलि की क्लिप डाली है, आप वहाँ भी देख लीजिए। सभी उपासक उपासिकाएं, सब भिक्षु बंधु, भिक्षु भिक्षुनिया, वो भी हमारे जो YouTube का जो चैनल है, YouTube में जाकर वहाँ लिखिए नाम सर्च में, डॉक्टर भदंत राहुल बोधी, छोटे अक्षर में सभी, स्मॉल लेटर्स, डॉक्टर भदंत राहुल बोधी लिखिए, तो वहाँ पर चैनल हमारा आ जाएगा और वहाँ पर जो हमने आदरांजलि श्रद्धांजलि दी वो भी क्लिप आपको देखने के लिए मिलेगी। इसी प्रकार बहुत सारे तथागत भगवान बुद्ध के इस त्रिपिटक के आधार पर जो ओरिजिनल प्रवचन है, मूल वाणी जो बुद्ध की, बहुत सारी वहाँ पर हमने सूत्र और हमने जो देशनाएं संग्रहित करके रखी है YouTube पर, उसका भी लाभ आप भी लेंगे, अपने दोस्त मित्रों को भी लाभ लेने के लिए कहिए। आप सबका मंगल हो, सबको सुख शांति मिले, सबको सुख शांति मिले।